Hello children, I hope you all are fine and good. Last time, I had explained you a chapter 2, Safety and First Aid. Today we will start new chapter of your term 2 book, My Family. Family, a group of people including grandparents, parents and children make a family. जो people का group होता है उसमें अगर grandparents, parents और children मिलके रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? Family. We learn many things from our family. हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है अपनी family से. Parents look after their children. Parents अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं. They provide shelter, food, clothes and education to their children. तो parents क्या क्या देते हैं बच्चों को? घर देते हैं रहने के लिए, खाना देते हैं, नए कपड़े पहनने के लिए देते हैं और अच्छे से पढ़ाई कराते हैं. How many members are there in your family? आपकी फैमिली में कितने members हैं? What are their names and how are they related to you? तो आप इसमें अपना फैमिली members के नेम लिखेंगे और उनसे आपका क्या रिलेशन है वो लिखेंगे बुक के अंदर. Sharing our feelings. Rohan studies in class 2. He admires his grandfather most among his relatives. रोहन क्लास सेकंड में पढ़ता है, ये जो बच्चा दिखाया है इसमें, और ये अपने ग्रैंडफादर की बहुत रिस्पेक्ट करता है सभी रिलेटिव्स में से. द रीज़न ही एडमायर्स हिम मोस्ट इज दैट हिज ग्रैंडफादर इज़ वेरी जेंटल इन हिज बिहेवियर एंड हिज नॉलेज इज़ वेरी वास्ट. और वो क्यों रिस्पेक्ट और प्यार करता है अपने ग्रैंडफादर से सबसे ज़्यादा? क्योंकि वो बहुत ही, उनका बिहेवियर बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सीधे सच्चे स्वभाव के हैं वो, और उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत नॉलेज है. ही टीचेस रोहन मैनी न्यू थिंग्स एवरी डे. वो नई नई बातें, नई नई चीज़ें रोहन को रोज सिखाते हैं. ही डज नॉट गेट एंग्री व्हेन रोहन आस्क हिम टू एक्सप्लेन अ थिंग अगेन. और वो गुस्सा भी नहीं होते हैं जब रोहन उनसे क्वेश्चंस पूछता है, और कई सारी बातें चाहे वो बार बार पूछे तब भी वो नाराज नहीं होते हैं. हुम डू यू एडमायर मोस्ट अमंग ऑल योर रिलेटिव्स. आप सबसे ज़्यादा किससे अपने फैमिली मेम्बर से की रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं, उनका नाम लिखिए इसमें. विथ विच फैमिली मेम्बर डू यू लाइक टू शेयर योर फीलिंग्स. किस फैमिली मेम्बर से आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं सबसे ज़्यादा, आप उनका नाम लिखेंगे इसमें. हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स इन योर फैमिली. आप अपने एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं इसमें आप ये आंसर लिखिएगा. एंड वेन यू आर सैड हु डू यू गो टू. और जब आप क्या होते हैं उदास होते हैं तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं, तो इसमें आप उस फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे. सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक, इट इज़ योर होमवर्क. फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ऑल फैमिलीज आर डिफरेंट. फैमिलीज तरह तरह की होती हैं, सारी फैमिलीज अलग अलग तरह की होती हैं. इन सम फैमिलीज देयर आर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन. कुछ फैमिलीज में बहुत सारे बच्चे होते हैं. इन सम फैमिलीज देयर इज़ ओनली वन चाइल्ड. लेकिन कुछ फैमिलीज़ में एक ही बच्चा होता है, ओनली वन चाइल्ड. अ फैमिली हैविंग वन और टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिली. जिस फैमिली में एक या दो बच्चे होते हैं उस फैमिली को हम कहते हैं स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली. अ फैमिली हैविंग मोर देन टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बिग फैमिली. जिस फैमिली में दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं बिग फैमिली. In a joint family, grandfather, grandmother, mother, father, uncle, aunt and children live together. जो joint family होती है उसमें सब मिलजुल के रहते हैं. कौन कौन? Grandfather, grandmother, mother, father, uncle, aunt and children. तो इस family को हम कहते हैं joint family. Look at the picture shown below. These pictures show different kinds of families. आप picture में देखिए nuclear family में क्या दिखाया है? Only one child. Big family में कितने दिखाए हैं? More than two children. और joint family में सब लोग मिलजुल के रहते हैं जिसमें grandfather, grandmother, uncle, aunt, mother, father और children सब मिलजुल के रहते हैं, उसको हम कहते हैं joint family. It does not matter what kind of family you have. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी family कैसी है. सबसे ज़्यादा फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आप लोग अपने आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं. तो what matters, that is love. The members of your family try to give you good food and clothes.
जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आपको अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं। दे लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर सिक, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो सब लोग आपकी देखभाल करते हैं। दे कम्फर्ट यू व्हेन यू आर सैड, और जब आप उदास होते हैं तो सब आपकी बात सुनते हैं और आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं। नाउ फैमिली ट्री। अ फैमिली ट्री शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस ऑफ द सेम फैमिली। फर्स्ट जनरेशन शोज ग्रैंड पेरेंट्स। सो दिस फैमिली ट्री शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस ऑफ द सेम फैमिली। फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सेकेंड जनरेशन शोज योर पेरेंट्स। सेकेंड जनरेशन में क्या दिखाना है? योर पेरेंट्स, मदर, फादर, अंकल, आंट। एंड द थर्ड जनरेशन शोज यू एंड योर कज़न। तो थर्ड जनरेशन में बच्चे आएंगे, आप आएंगे और आपके कज़न्स आएंगे। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, कज़न बॉय और कज़न गर्ल। इसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर पेस्ट करेंगे, बुक में ही पेस्ट करेंगे। इट इज़ योर एक्टिविटी। तो ऊपर आप देख लीजिएगा, उन्हीं की पिक्चर पेस्ट करनी है। जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर की पिक्चर पेस्ट करनी है, ग्रैंडमदर की पिक्चर पेस्ट करनी है, मदर और फादर की पिक्चर पेस्ट करनी है, सिस्टर ब्रदर की पिक्चर पेस्ट करनी है, अंकल आंट की पिक्चर पेस्ट करनी है और अपने कजन्स की पिक्चर पेस्ट करनी है। तो ये आपकी एक्टिविटी होगी। तो बच्चों, जितना भी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करा है और बीच में जो भी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। इट इज़ योर होमवर्क। एंड रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 5 times। नेक्स्ट टाइम मैं आपको असाइनमेंट में इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स दूंगी और फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी। सो बाय चिल्ड्रन।